Hey, what's up everybody, my name is Karan and welcome back to my channel again guys. My channel name is Exam Tapri और आज guys बात करूँगा JEE Mains में जो फॉर्म में करेक्शन की जो डेट्स हैं वो 27 तारीख से शुरू हो गई हैं और 27 से 30 तारीख तक आपको जो भी अपने फॉर्म में चेंजेस करने हैं या करेक्शन करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसी पे सारी चीज़ें पे बात करूँगा और किस किस तरीके से ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डेट्स की बात कर लो तो डेट्स 27 जनवरी से 30 जनवरी तक आप ये डेट्स 30 जनवरी तक आपकी इसकी डेट है और इस बीच में आपके जो भी करेक्शन हैं वो आप कर सकते हैं। कल की अगर मैं बात करूँ तो कल क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ इमेज में आप लोग करेक्शन कर पा रहे थे, लेकिन अब आज से, क्योंकि कल मैंने जब बात की थी NTA में, उसका नंबर भी मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनके नंबर्स पे भी जाके कॉल कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैंने बच्चों में नोट की है अभी कि बहुत सारे बच्चे अगर करेक्शन नहीं हो पा रहा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और जो बेसिक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हम लोग इस चीज़ों में छोड़ देते हैं। तो देखिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ या आप मेरे लेफ्ट में नंबर आपको दिख रहा होगा, तो ये नंबर है NTA का और यहाँ पे आप उनसे जो भी आपके क्वेरीज है या जो भी आपके क्वेश्चन से उनसे पूछ सकते हैं और वो आपको इंस्टेंटली आपका सॉल्यूशन वहां पे बता देंगे। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, 5-1 मिनट का इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपको एट द एंड आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। डिटेल्स अब थोड़ी सी बात कर लें तो डिटेल्स दैट कैन बी करेक्टेड एज आर फॉलो। पर्सनल डिटेल्स इसमें करेक्शन में ला सकते हैं आप, अगर आपके नेम में या किसी तरीके के पेरेंट के नेम में आपकी डिटेल्स में गलती हुई है। एकेडमिक डिटेल आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। चेंज ऑफ पेपर कैंडिडेट, अगर चेंज ऑफ पेपर अगर आपने पेपर में दोनों सेलेक्ट कर लिए, लाइक कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू चेंज द चॉइसेस ऑफ पेपर फ्रॉम पेपर वन पेपर टू एंड वाइस वर्सा, बोथ पेपर कैन ऑल्सो बी सिलेक्टेड फॉर द कैंडिडेट टू पे द बैलेंस फीस, और जबकि जो बेस्ट ऑफ द बैलेंस फीस है वो भी आप पे कर सकते हैं। चेंज अब इसमें लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन आप चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं। नेम, स्टेट, एलिजिबिलिटी, डेट ऑफ बर्थ एंड दीज आर द डिटेल्स विल ऑल्सो बी ओपन फॉर करेक्शन ड्यूरिंग द अलॉटेड टाइम पीरियड, तो ये सारी डिटेल्स भी होंगी। साथ ही साथ कैटेगरी की बात कर लूँ तो अप्रैल के मंथ से जो रहेगा आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है। तो कैटेगरी वालों को, बच्चों को बहुत सारी ये क्वेश्चंस थे कि किस तरीके कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनाना है, तो अप्रैल मंथ से आपका जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट रहेगा वो वैलिड रहेगा। अब किस तरीके से करेक्शन होंगे ये अपन थोड़ा सा जान लें। सबसे पहले स्टेप वन आपको क्या करना है, NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, आपका लॉगिन ID और पासवर्ड डालना है, ठीक है। After login, JEE Mains correction in the application form 2021 link and proceed to connect. आपको वहाँ पे correction के लिए proceed to make correction पे जाना है, ठीक है। वहाँ पे आप चले गए, read the instruction, वहाँ पे आपको instruction लिखे हुए दिख जाएंगे। Students will see the details of JEE Mains application form, make the necessary correction required. जो भी आपको necessary correction है वहाँ पे आप edit का option आपको मिलेगा, आप वहाँ पे जाके वो correction कर सकते हैं। एट दी एंड आपको क्या होगा, आफ्टर मेकिंग ऑल द करेक्शन क्लिक सबमिट लिंक टू सबमिट द JEE Mains फॉर्म करेक्शन, ठीक है। मतलब क्लिक टू सबमिट लिंक टू द सबमिट JEE, मतलब आपका जो लिंक वहाँ पे दिया हुआ है सबमिट का ऑप्शन आपको क्लिक कर लीजिए। टेक आउट प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड मेकिंग करेक्शन एंड कीप इट सेफ टिल द कम्प्लीशन ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। फाइनल जो आपका करेक्शन हो चुका है उसका फॉर्म निकाल लीजिए, उसको अपने पास रख लीजिए। और एक सजेशन एट दी एंड मैं आपको देना चाहूँगा कि जो जो फॉर्म आप इस साल भरेंगे उसकी एक प्रॉपर फाइल बना लीजिए, सारे फॉर्म को जो भी कॉलेजेस के आपने फॉर्म भरे हैं उस फाइल में लगाते हुए चलिए। उससे बेहतर क्या होगा कि जब आपको कॉलेजेस की डेट्स आएंगी तो आपके सारे फॉर्म एक फाइल में होंगे सब पिनअप किए हुए, तो आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएगी। देखो अब दूसरी चीज़ है करेक्शन इन फोटोज, JEE Mains फोटो करेक्शन 2021 स्टेप वाइज प्रोसेस। सबसे पहले क्या करना है, JEE Mains की वेबसाइट पे जाना है, सिलेक्ट द लिंक रेफरिंग टू रिमूव इमेज डिस्क्रिपेंसी, ठीक है। एंटर द एप्लीकेशन फॉर्म नंबर एंड पासवर्ड टू लॉग इन। देखो JEE Mains की साइट पे गए, सिलेक्ट द लिंक रेफरिंग टू द रिमूव इमेज, उस पर जो रिमूव इमेज का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक किया। एंटर द एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपने एंटर किया और पासवर्ड आपने एंटर किया, लॉग इन कर लिया, अपलोड द करेक्ट फोटो एज पर द NTA गाइडलाइन एंड सबमिट। आपको जो NTA की गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप लोगों को फोटो सबमिट करनी है और फिर उसको सबमिट कर देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन थोड़ा सा और चीज़ देख लें,
अगर देखिए, कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द फॉलोइंग फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द जेई मेंस करेक्शन, कुछ जो पॉइंट्स आपको देखने हैं, कैंडिडेट प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट इन अप्रोप्रिएट न जेई मेन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड, अगर आप किसी तरीके से गलत डिटेल्स अपनी भर रहे हैं दैट विल बी रिजेक्टेड, और अगर आप फर्दर प्रोसेस में जाते हैं और बाद में आपको पाया जाता है कि आपने जो डिटेल्स वहाँ पर सबमिट की हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। जेई मेन्स 2020 एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन फैसिलिटी विल बी अवेलेबल ओनली वंस कैंडिडेट हैव टू मेक करेक्शन विद इन द प्रोवाइडेड टाइम। अगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि वापस से डेट्स बढ़ जाएंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, जो डेट्स हैं यही डेट्स हैं, क्योंकि इसके बाद अब फरवरी आ जाएगा और फरवरी में आपके लास्ट वीक से आपके मेंस के एग्जामिनेशन है, तो कोई और टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। सर्टन करेक्शन ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे फीस विच लाइक चेंजेस इन कैटेगरी फॉर द सर्टन कुछ करेक्शन के लिए कुछ फीस भी अगर पेमेंट करनी पड़े तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि कैटेगरी वाइज अलग अलग हो सकती है। नोट ऑल द डिटेल्स मेड वंस फॉर मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग द जेई मेंस फॉर्म करेक्शन डिटेल्स अबाउट इन फॉर्म विच कैन बी मॉडिफाइड। देखिए, अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो इसके बाद कोई भी चेंजेस आपके उसमें नहीं होने वाले हैं। तो यही सारी मेरी सारी डिटेल्स थी जो आपको मैं बताना चाह रहा था। इसके लिए आप परेशान मत होइए, नंबर्स आपको नीचे दे देता हूँ, आप उन पे जाइए, कॉल कीजिए, एक फाइल बना लीजिए ताकि आपके सारे के सारे फॉर्म वहाँ पे रहेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कुछ और आपके क्वेश्चन हैं यू कैन लेट मी नो ऑन माय इंस्टाग्राम पेज, कुछ और आपके सजेशन हैं यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।